गाइस गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैं मार्केट आई हूँ। मार्केट में कितना भीड़ है। अभी देखिए, अभी कार्तिक महीना चल रहा है, तो कार्तिक महीने का ये लास्ट है जो कि मैं शाम को अभी आई हूँ। कल है पूजा हमारे घर पर, इसीलिए पूजा के सामान लेने के लिए आई हूँ, सामग्री कुछ। और उसके साथ यहाँ पर आयुष के लिए गाजर भी ख़त्म हो गया था, तो आयुष के लिए गाजर लेके अभी घर जाएंगे। और कल सुबह मैं आप लोगों के साथ जो भी रूटीन शेयर करूंगी देख सकते हैं। तो अभी मैं ये दोपहर को 4 बजे भगवान जी के लिए प्रसाद बना रही हूँ। ये पूजा शाम को ही होता है घर पर। एक केदार पूजा है जो कि केदार व्रत बोलते हैं। ये कार्तिक महीना में ही आता है। ये व्रत में ना बहुत ही अच्छा है। हर एक नारी जो कि स्त्री जो कि मैरिड है, उन लोगों के लिए व्रत पूजा होती है, बहुत ही अच्छा होता है। देखिए मैं बाजू में जो पहनी हूँ, इस तरह का व्रत है। ये मेरा अगले साल का व्रत जो मैं हाथ में पहनी हूँ, इस साल मैं अभी नया वाला पहनूंगी। तो भगवान जी के लिए मैं पहले ये प्रसाद सारे बना रही हूँ। ये बोरा है जो कि उड़द दाल से मैं बनाती हूँ, मीठी बोरा। ये ना इस पूजा में ना सारे चीज़ भगवान जी को बहुत ही पसंद है, उनका पसंदीद सारे चीज़ मैं बनाऊंगी। जैसे कि हमारे घर पर से बहुत सारा प्रसाद बनता है, मगर हमारे घर पर, मेरे सास के घर पर इस तरह का अटकाली और ये बोरा ही बनता है। उसके बाद जो भी फ्रूट्स वगैरह सारे होते हैं, तो भगवान जी के लिए ना मैं अभी देखिए चावल से पाउडर से बनाई हूँ ये खीर, बहुत ही अच्छा है। ये कार्तिक महीने में ही ये व्रत पड़ता है जो कि केदार व्रत। केदार व्रत करने से ना सबका बहुत भाग्यशाली होते हैं जो कि ये व्रत करते हैं और पहनते हैं। ये व्रत बहुत ही मान्यता होता है इसमें। तो यहाँ पर देखिए भगवान जी के लिए कुछ सामग्री लेके मैं आई थी। ये पद्म फूल, ये है नारियल, ये जो आम का दाल, ये देख रहे हैं ना, ये है बोट जो कि नहीं, अभी कार्तिक महीने में हमारा एक पूजा होता है जो कि तालाब में जाके, ये ना ये डोंगा बोलते हैं इसको, बोट, इसको हम जो पितृपुरुष हैं जो ये सबके लिए ना सोच करना ये विसर्जित करते हैं हम लोग। तो अभी तो नहीं हो पाएगा इस साल, शायद चंद्र ग्रहण है, तो देखेंगे अगर जाएंगे, नहीं तो मेरे ससुर जी भी जाएंगे, वो बोल रहे थे हम पापा चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं बिठा चुकी हूँ भगवान जी को। ये हमारे केदार व्रत का भगवान जी, ये जो धान का जो आप देख रहे हैं यही है हमारा भगवान जो कि केदार भगवान है। यहाँ पर सारे चीज़ ना 21 प्रकार का सारे चीज़ भगवान की ओम भगवान जी के पास अर्पित करते हैं। जैसे कि अभी देखिए ये मैं बनाई हूँ, ये 21 प्रकार का फूल, धान, ये आम पत्ता, ये दीप फूल, और जो भी व्रत यहाँ पर है भगवान जी का, ये सारे चीज़ जो जो मैं सारे बना चुकी हूँ। और इसके साथ साथ मैं केदार भगवान जी को पूजा करते करते मैं ना हमारे घर इष्ट देवता के लिए भी थोड़ा सा पूजा कर लेती हूँ, ऐसे करना चाहिए। तो इस तरह करने के बाद यहाँ पर ना बहुत ही आज के दिन ना बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो फल भोग भी ना 21 प्रकार का ही है हम, तो इस भगवान को ना सारे 21 प्रकार का अर्पित करके ना पूजा करने से जो भी मनोकामना आपका पूरी करते हैं भगवान शिव भगवान, तो इसको केदार व्रत बोलते हैं। केदार गौरी व्रत, मतलब केदार मतलब शिव भगवान, गौरी गौरी मतलब पार्वती माता को बोलते हैं। तो ये पार्वती और शिव भगवान की ये पूजा होती है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा पूजा रूम बहुत ही छोटा है, तो हम नीचे ही भगवान जी को बिठाए यहाँ पर पीढ़ा और ये कपड़ा देकर। तो यहाँ पर भगवान जी को अच्छे से भी पूजा हो पाया। और यहाँ देखिए मैं अभी भगवान जी को भी प्रार्थना थोड़ा सा कर रही हूँ, सारे पूजा पाठ अच्छे से हो जाए और अगले साल भी भगवान जी को मैं अच्छे से पूजा करूँ, यही मेरा मनोकामना है। और यहाँ पर देखिए आरती का समय भी हो रहा है, तो ये पूजा ना अभी आज ना भगवान जी को विसर्जन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज भगवान जी घर पर रहेंगे और नेक्स्ट डे है चंद्र ग्रहण, तो ग्रहण के दिन भी हम विसर्जित नहीं कर पाएंगे, तो बुधवार को ही ये विसर्जित होंगे भगवान जी। तो आज ही तो
गाइस आप लोगों को मेरा पूजा पाठ कैसा लगा आप लोग ज़रूर बोलिए कमेंट में, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ 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 गाइस सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो ये देखिए, ये पंचामृत बनाई हूँ, खीर बनाई हूँ, ये भोग है यहाँ पर दीपे, और बहुत ये नारियल पोड़ी हूँ, बहुत ही अच्छा लगा मन का आज, बहुत ही सुकून फील हुआ। और आयुष को पापा भी हैं घर पर, तो अभी संपूर्ण मतलब अभी तो पूजा हो चुका है, अभी आरती का समय भी हो गया। देखिए आरती भगवान जी को, मैं अच्छे से आरती करके भगवान जी को प्रार्थना करूंगी कि घर में शांति सुख समृद्धि और अच्छे से हो रहे हम सब घर वाले सारे मेरे फैमिली मेंबर, यही मेरा भगवान जी को पास प्रार्थना है। तो ये आरती का समय भी हो गया, तो आरती भी कर चुकी हूँ, अभी आयुष का पापा आरती लेंगे, उनके बाद मेरे सासू माँ का भी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनका तबीयत भी ठीक हो जाए भगवान, यही चाहती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं जो पूजा कर रही हूँ, क्योंकि उनको ना तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उनका व्रत और मेरा व्रत एक साथ मैं पूजा कर चुकी हूँ, और शाम को घर जाऊँगी उनको देखने के लिए, और ये व्रत वगैरह भोग सारे दे के आएंगे। और यहाँ उससे और उसके बाद ना हमें अभी ना संपूर्ण तो हो पूजा तो हो गया संपूर्ण मतलब अभी हमें पाठ सुनना है भगवान का, पाठ सुनने के बाद ही हमारा पूजा पूरा संपूर्ण होगा और व्रत भी हम पहन पाएंगे। तो अभी आयुष को पापा अभी सुनाएंगे हम सबको कथा, जो कि वो कथा सुनने के बाद ही हमारा पूजा पाठ पूरा संपूर्ण होगा और व्रत भी हम पहन पाएंगे। तो अभी सुनिए आयुष। कुंती को संपूरी गले वनस्थरे जाओ जाओ कुंती को भेटिले, कुंती को कुशल पूछिले, कुंती कहिले कि कुशल कहिबी दुर्योधन राज्यरे राजा हेले, आम सम्मतरे पुत्र मान बनवास गले, बहुत दुख पाइले। यहा शुणी नैमिषी ऋषि कहिले एवं तुम्हें माने केदार व्रत करो, यह क्यों काले क्यों करुथिले कि रूपे, नैमिषी ऋषि कहिले एवं शुणीमा हुअतु पूर्व कालरे सत्य जुगरे ए व्रत स्वर्गर अवसरी माने करुथिले, ଏବେ ତୁମେମାନେ ଏ ବ୍ରତ କର, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏ ବ୍ରତ କରିବ, ସୁବ୍ରତ ମଣ୍ଡଳ କାଟିବ, ତହିଁ ପରେ ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ସ୍ଥାପିବ, ନନ୍ଦୀ ଭୁକୁଟିବ ଦ୍ୱାର ସ୍ଥାପିବ, ଏକୋଇଶ କ୍ଷୀର ବ୍ରତ କରିବ, ବ୍ରତରେ ଏକୋଇଶ ଘଟି ପକାଇବ, ଏକୋଇଶ ନାଳ ଧୂପ କରିବ, ଏକୋଇଶ ଗୁଆ କରିବ, ଅପମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତ କାଟି ଏକୋଇଶ କରିବ, ଏକୋଇଶ ଫଳା ହଳଦୀ କରିବ, ଏକୋଇଶ ବର୍ଣ୍ଣ। अभी हो गया पूजा हमारा पूरा संपूर्ण, और हम जाके सास के घर आ चुके हैं, और यहाँ पर ना भगवान दर्शन के लिए आए हैं, कार्तिक महीना का लास्ट महीना में अभी आए हैं, टाइम नहीं मिल रहा था हमें कहाँ, तो अभी ये महीना लास्ट है तो भगवान को पूजा कर देंगे, क्योंकि कल से और कोई भी मंदिर नहीं पूजा पाठ नहीं होगा, ग्रहण है कल। तो यहाँ पर देखिए ये भजन कीर्तन सारे अच्छे से बजा रहे यहाँ, जगन्नाथ मंदिर, जो कि भगवान श्री भगवान का आज हमारे ऊपर बहुत ही कृपा है, तो उनका दर्शन के लिए आए हैं। कितना भीड़ है ये मंदिर में बोलो मत, अभी थोड़ा सा कम हुआ है, आरती के समय ना इतना भीड़ होता है यहाँ पर, आप लोगों को बता नहीं सकते। तो यहाँ पर देखिए आयुष और मैं भी यहाँ पर बैठ के बहुत इंजॉय कर रहे भगवान, यहाँ पर इतना इतना जो फूल निकला है ना भगवान जी के लिए, माला बना रहे हैं पहनने के लिए उनको। तो कल है कार्तिक पूर्णिमा, जो डोंगा बोईतो बंधानी बोलते हैं वो पूजा है, जो तालाब में जाके ना वो डोंगा मतलब बोट जो केला के छिलके से बनाते हैं बोट, वही बोट को विसर्जित करने के लिए सब लोग जाते हैं ही रात को ही, मतलब 3 बजे 4 बजे वो तालाब में सारे लोग जाके ना विसर्जित करके वहाँ पर नहा के आके, बहुत ही बड़ा पूजा है, मतलब क्या करें, इस बार चंद्र ग्रहण हो रहा है तो कोई आधा जाएंगे कोई आधा नहीं जा पाएंगे। तो हाँ मुझे तो नहीं लग रहा मैं जा पाऊँगी, क्योंकि आयुष इतना छोटा है, उसको रात को लेके कहाँ जाऊँगी, इसी वजह से हमारे ससुर जी जाएंगे। तो अभी यहाँ पर देखिए हम भगवती माँ मंदिर आए हैं, तो आयुष यहाँ पर ना खड़ा ही नहीं हो रहा है, दौड़ रहा है यहाँ पर भी, तो आयुष का पापा उसको अभी पकड़े हैं, तो मैं थोड़ा सा वीडियो आप लोगों को दिखा रही हूँ। और आयुष को, आयुष ना बिल्कुल भी बैठता नहीं उठता नहीं, आयुष को पापा बेचारे उसको पकड़ पकड़ के वो भी बोर हो गए हैं। यहाँ पे ना हम थोड़ा सा मंदिर में बैठे हैं, शांति लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके बाद मुझे अभी जाना है मेरे मम्मी के घर, पास में ही है मंदिर के, ये जगन्नाथ टेम्पल है इसके पास में ही है, थोड़ा सा पास में ही है हमारा मम्मी के घर, तो वहाँ भी जाके थोड़ा सा प्रसाद दे के चले आऊँगी। तो यहाँ देखिए आयुष का नौटंकी शुरू हो गया है, बहुत जहाँ भी जाए तो ऐसे ही
करता है। तो यहाँ पर है देखिए स्टैचू, कितना बड़ा हाथी है। ये हाथी को देख के ना आयुष पहले डरता था, अभी नहीं डरता है। यहाँ पर मेरा दादा यहाँ पर खड़े हुए हैं जो कि अंकल, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बात करके उनके साथ चली आई है। यहाँ पर देखिए हमारा जगन्नाथ मंदिर, ये है छोटा सा जो मंदिर देख रहे हैं ना, ये लक्ष्मी मंदिर। कितना दीप लगाए हैं देखिए, और भी बहुत सारा दीप लगाते हैं। तरह मेरा आज का दिन बहुत ही अच्छे से गया, हम तीनों का, आयुष के पापा मेरा और आयुष का। तो गाइस आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए।